इतने दिनों से आप भी डटे हुए हो और हमें कवरेज दे रहे हो, हमारा जितना भी आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद। अभी कई दिन से भरत भूषण एक बात बोल रहा है कि 12 साल से ये चुप क्यों थे, 12 साल तक ये चुप क्यों थे, 12 साल पहले बोले क्यों नहीं, इतने दिन तक वेट क्यों किया। तो मैं इसी चीज का एक जवाब देना चाहती हूँ। 2012 में जूनियर का कैंप लगा था लखनऊ, वहां पे एक शिकायत दर्ज हुई थी पुलिस स्टेशन में सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ में। 24 घंटे के अंदर ही उस FIR को भी उठवा लिया गया और उस मामले को वहीं पर रफा दफा करवा दिया गया था। उसमें 5 से 7 लड़कियों ने कंप्लेंट दी थी पुलिस स्टेशन में सेक्सुअल हरासमेंट की। दूसरी बात, 2014 में आप लोगों ने सुना भी होगा, कोई एक फिजियो था हमारा, ट्रेनर और फिजियो दोनों काम करते थे, वो नेशनल कैंप में थे, गीता फोगाट के साथ वो उनके ट्रेनर थे, उनकी वाइफ भी रेसलिंग करती थी, वो उस टाइम पे नेशनल कैंप में थी। उन्होंने कुछ हरकतें देखी नेशनल कैंप में होते हुए, जब उन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाई, कोचिज को बताया, बाकी जो भी लोग थे उनको बताया, 24 घंटे के अंदर उनका कैंप से नाम कट गया, उनको कैंप से बाहर भेज दिया गया, साथ में उनकी जो वाइफ थी उनका भी नेशनल कैंप से नाम काट दिया था। और वो उस दिन के बाद से आज तक कभी भी किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई है। तीसरी बात, अभी जब हम जंतर मंतर पे बैठे थे, उससे पहले सरकार के एक अधिकारी से हम मिले थे, जंतर मंतर पे बैठने से 3-4 महीने पहले की बात है, हमने उनको हर एक बात बताई थी कि कैसे लड़कियों के साथ में सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, कैसे लड़कियों को दुखी किया जा रहा है, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, हर लेवल पे मतलब खिलाड़ियों को इतना परेशान किया जा रहा है कि खिलाड़ी कुछ भी करने को रेडी है अपनी लाइफ के साथ में। जब हमने 3-4 महीने वेट कर लिया, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, फिर हम जंतर मंतर पे आए। जब हम गवर्नमेंट से बात करने के लिए, खेल मंत्री जी से बात करने के लिए गए, लास्ट दिन जब हमने धरना खत्म किया था, सभी खिलाड़ी अंदर गए थे, खेल मंत्री जी के सामने सारी बातें बताई थी, सभी लड़कियों ने सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर बातें बताई थी, अपने अपने इंसिडेंट शेयर किए थे, सभी लड़कियां रो रही थी उनके सामने ही, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया गया था उस टाइम पे भी। खेल मंत्री जी ने कमेटी बना के उस मामले को फिर से रफा दफा करने की कोशिश की। तो आप देख लीजिए, हमने हर लेवल पे हमने आवाज उठाने की कोशिश की, लेकिन जिसने भी कोशिश की उस मामले को वहीं पे दबा दिया गया। तो जो वो बोल रहा है कि 12 साल से चुप थे, तो आप देख लीजिए 12 साल से हम चुप क्यों थे। हमें रेसलिंग करना था, हमारी लाइफ, हमारा कैरियर, सब कुछ हमारा दांव पे लगा होता है, इसलिए हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कभी भी। आज हम उस मुकाम पे पहुंच गए कि हाँ, अभी तो इससे आगे तो मौत है, तब हमें हिम्मत आई, तब हम लोग साथ में की एक, क्योंकि जब भी किसी एक ने आवाज उठाई तभी उसकी आवाज को दबा दिया गया। इसलिए सब लोग इकट्ठा आ गए, आप देख लीजिए हम इतने लोग इकट्ठा हैं, फिर भी FIR नहीं हो रही है जल्दी से, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो